गाइस, न्यू स्विफ्ट अभी लॉन्च हो चुकी है रिसेंटली एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐसी 10 चीज़ें जो आपको स्विफ्ट पे मिल जाती है और उसके कंपटीशन में कहीं पे भी नहीं मिलती। उसका कंपटीशन हम कंसीडर कर रहे हैं टियागो एंड i10 को। बलेनो वगैरह को हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ी सी अपर सेगमेंट में चली जाती है। माय नेम इज साकेत एंड यू वॉचिंग बर्निंग व्हील्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आपको स्विफ्ट या मारुति सुजुकी की कोई भी कार लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके वहां पर डायरेक्टली जाके टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हो एंड यू कैन बुक योर न्यू मारुति सुजुकी कार। फर्स्ट है उसके डायमेंशन। तो स्विफ्ट में आपको लेंथ एंड विड्थ बेस्ट इन सेगमेंट मिल जाती है, मतलब आपको एक काफ़ी बड़ी कार लगने वाली है सेगमेंट के हिसाब से। मतलब अगर हम कंपेयर करें कंपटीशन को तो उनके हिसाब से काफ़ी बड़ी लगती है। लेग स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, थाई सपोर्ट भी डिसेंट है एंड इनफ हेड स्पेस आपको मिल जाती है और जो शोल्डर रूम है 3 पैसेंजर्स के लिए रियर सीट में वो भी काफ़ी अच्छा है सेगमेंट को कंसिडर करें तो। नेक्स्ट है इसमें आपको LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। तो कंपटीशन में आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं लेकिन वो हैलोजन मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, तो यहाँ पे आपको LED फॉग लैंप्स मिलते हैं एंड LED सेटअप मिलता है एंड हमने देखा है कि लाइट्स इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। जो इसका DRL है वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है एंड ये ब्लैक फिनिश में आता है तो डेफिनेटली इसकी जो लाइट्स है वो काफ़ी अच्छी लगती है और सेगमेंट में आपको इतनी अच्छी लाइट्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट है इसका 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन में 7 इंच 8 इंच के इंफोटेनमेंट ऑफर किए जाते हैं बट यहाँ पे स्विफ्ट में आपको 9 इंच का टच स्क्रीन ऑफर किया जाता है एंड दैट्स द बिगेस्ट इन द सेगमेंट एंड वो काफ़ी अच्छा है। इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है विद 6 स्पीकर्स, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा सिस्टम इन्होंने दिया है। फिर नेक्स्ट है जो हम सबको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है अपनी गाड़ी से, वो है माइलेज। तो माइलेज भी आपको स्विफ्ट में हाईएस्ट मिल जाता है, लगभग 24 के आसपास का माइलेज आपको मैनुअल दे देती है एंड जो इसका AGS है उसमें आपको 25 किलोमीटर्स का क्लेम्ड माइलेज कंपनी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है एंड आप उसके आसपास निकालने का सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसका बिगेस्ट बूट इन द सेगमेंट। तो गाइज, इसकी डायमेंशन सबसे बड़ी है तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल स्पेस इस पर काफ़ी अच्छी मिलती है, यानी कि आपको बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। 265 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, 4 से 5 जन आप इसमें आराम से अपना लगेज लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट आया था वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर जैसा एक काफ़ी प्रीमियम फीचर आपको ये सेगमेंट में दिया गया है। डेफिनेटली स्विफ्ट की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, थोड़ी सी नहीं वैसे काफ़ी इंक्रीज हुई है, बट इसमें आपको वायरलेस चार्जर दिया जाता है। फिर है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। तो आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो मिल जाता है बट यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। नेक्स्ट है इसमें आपको एम्पल चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। सामने आपको एक USB टाइप ए मिलता है विद द 12 वोल्ट सॉकेट, फिर वायरलेस चार्जर, पीछे आपको USB टाइप ए प्लस USB टाइप सी मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको दोनों मिल जाते हैं कॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा AGS सिस्टम। तो AGS इज द AMT सिस्टम फ्रॉम मारुति सुजुकी, बट ये अगर हम कंपेयर करें कंपटीशन से तो इसके गियर शिफ्ट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, फील ही नहीं करता कि एक AMT सिस्टम है। एंड लास्ट है इसमें आपको वाइडेस्ट टायर्स मिल जाते हैं। तो पूरे सेगमेंट में आपको 175 की विड्थ मिलती है ऑलमोस्ट, यहाँ पे आपको 185 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी वाइड है। एंड लास्ट एक बोनस मैं आपको बताना चाहूँगा, स्विफ्ट के जो लुक्स हैं ना ऐसे लुक्स आपको मिलने ही नहीं वाले ये सेगमेंट में। आप देख सकते हो यार, मिनी कूपर लगती है ये, जो इसके लाइट्स है वो इतने अच्छे लगते हैं विद द न्यू DRL। रियर लाइट्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं सी शेप में एंड ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है बिकॉज ये थोड़ा सा ड्राइवर फोकस्ड है तो है ना एक अच्छा सा लुक देता है, मतलब ऐसा नॉर्मल सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है तो थोड़ा सा है ना आपको एक काफ़ी एग्रेसिव लुक आता है। एंड आप देख सकते हो डैशबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा लाइन्स एंड काफ़ी ज़्यादा एजेस फ्लो हो रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी एक एग्रेसिव लुक आता है एंड स्विफ्ट को एक स्विफ्ट बनाता है। सेफ्टी वाइज आपको यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं बट आपको जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो तो यहाँ पे अभी तक रिवील नहीं हुई है, जब वो टेस्ट होगी तब हमें पता चलेगा कि इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। जो थर्ड भी आ रहा था ना डोर्स क्लोज करते टाइम वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हुआ ऐसा लगा बट यार डेफिनेटली आई कांट कमेंट ऑन द सेफ्टी ऑफ दिस कार। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।